इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको फुल केवाईसी करके नहीं दिखाया था कि किस तरीके से जब आप फुल केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे तभी आपका जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन होगा, तभी आप किसी भी यूपीआई आईडी से जोड़ सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह में आप अपने अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल केवाईसी करके दिखाने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जियो पेमेंट बैंक अकाउंट की फुल केवाईसी करने के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में जियो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बैंक का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बैंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे एम पिन वैलिडेशन मांगा जाएगा, जो आप जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करते वक्त आप अपना एम पिन इंटर किए थे वही एम पिन आप यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ, आप अपना एम पिन इंटर करेंगे तो अब यहाँ पर आपके सामने एक बैनर दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ मिल जाएगा वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक, और नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ज्वाइन नाउ का, तो आपको यहाँ ज्वाइन नाउ पर क्लिक कर देना है। ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यानी आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड और ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, और आप या फिर आपके पास जो आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर है या वर्चुअल आईडी है उसको रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा लेट्स स्टार्ट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहां पर आपको ओआरएन नंबर भी देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, और आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और आपके पास एक अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, और जो आपके पास मोबाइल फ़ोन है उसमें बैक फ्रंट कैमरा दोनों होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरी बात, अगर आप वीडियो केवाईसी के लिए प्रोसीड कर रहे हैं तो उस टाइम जो है 8 से 9 PM के बीच में होना चाहिए। अगर आप 10:30 बजे कॉल करेंगे तो ये फ़ोन नहीं लगेगा, यानी आपकी जो फुल केवाईसी वो नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर फाइंड ए वेल इट एंड क्वाइट प्लेस, यानी आपका जो प्लेस है वो लाइटिंग होना चाहिए थोड़ा, और इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। आपको अपने आधार कार्ड को, पैन कार्ड को हाथ में लेकर रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट कॉल विद द एजेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगेगा तो आपको विल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करके एप्लीकेशन को परमिशन दे देना है, तो आपकी कॉल जियो एजेंट के पास लग जाएगी। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि कॉल लग गई। अब आपको अपना पैन कार्ड का फ्रंट दिखाना है, एजेंट आपसे कहेगा तो आपको फ्रंट दिखा देना है। इस तरीके से फ्रंट दिखाने के बाद आपको थोड़ी देर तक वेट करना है। उसके बाद एजेंट कहेगा कि अब आपकी स्क्रीन पर 6 डिजिट का नंबर शो होगा, उसको आपको लाउडली आवाज में रीड करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 डिजिट का नंबर शो हो गया, तो हम इसको अच्छे से रीड करेंगे, यानी एक एक नंबर लाउडली में बोलना है। जैसे आप इसको बोलेंगे तो ये जो नंबर है वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जियो एजेंट आपसे आपका एनुअल इनकम पूछेगा और आपका ऑक्यूपेशन पूछेगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। उसके बाद आपको कहेगा कि अब अपने पैन कार्ड को कहीं पर नीचे रख दीजिए और उसका मुझे एक फ़ोटो कैप्चर करना है, तो आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से आ जाएगा, और नीचे आपको अपने पैन कार्ड को रख देना है। इस तरीके से एजेंट जो है एक आपके पैन कार्ड का फोटो कैप्चर कर लेगा। जैसे ही पैन कार्ड कैप्चर सक्सेसफुल हो जाता है तो एजेंट आपसे आपका फादर नेम पूछेंगे और आप फॉर्म फिल करते वक्त जो आप जिसको आपने नॉमिनी बनाया उस नॉमिनी को पूछेंगे। उसके बाद कहेंगे अब आपको अपने फेस को सीधा करना है, वो आपके फेस का एक फोटो कैप्चर करेंगे। जैसे ही आपके फेस का फोटो कैप्चर कंप्लीट हो जाता है तो आपकी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस, इस तरीके से आप फुल केवाईसी करके जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप इस अकाउंट को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल पे, फोन पे, ETC ऐड करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए फुल केवाईसी कंप्लीट करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।